कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बरसों से इस्तेमाल करते हैं और वो इस कदर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं कि उनके बिना हम चीज़ों को नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकते। भारतीय खाने में मसालों का एक अमूल्य स्थान है। राजा महाराजाओं के जमाने से बनने वाले ये मसाले भारतीय खाने को जायकेदार बनाते हैं। इन मसालों को बनाने वाली बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां हैं जो मसालों का स्वाद और क्वालिटी सालों साल बरकरार रख पाई हैं। भारतीय मसालों में एक ब्रांड ऐसा है जो सालों से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये ब्रांड है MDH। MDH यानी महाशियां दी हट्टी लिमिटेड भारतीय मसालों और मिश्रण के उत्पादक, वितरक और निर्यातक हैं। खाने में उपयुक्त बहुत से मसालों के निर्माण में इनका एकाधिकार है। MDH कंपनी की स्थापना 1919 में महाशय चुन्नी लाल ने सियालकोट में एक छोटी सी दुकान खोलकर की थी। तब से लेकर अब तक ये कंपनी पूरे देश में फैल चुकी है और भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी इन मसालों का निर्यात किया जाता है। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता चुन्नी लाल और माता चनन देवी समाजसेवी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 1933 में 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 1937 में अपने पिता की सहायता से उन्होंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने साबुन का व्यवसाय भी शुरू किया। इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने नौकरी भी की। बाद के वर्षों में उन्होंने कपड़े और चावल का भी व्यापार किया, लेकिन इनमें से किसी भी व्यापार में वे लंबे समय तक नहीं टिक सके। इस सब के बाद उन्होंने दोबारा अपने पैतृक व्यवसाय को ही करने की ठानी, जो कि मसालों का व्यवसाय था। इनके व्यवसाय को देगी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था और ये पूरे भारत में प्रचलित था। देश के विभाजन के बाद वे भारत वापस आए और 27 सितंबर 1947 को दिल्ली पहुंचे। उस समय उनके पास केवल 1500 रुपये ही थे, जिसमें से 650 रुपये का उन्होंने एक तांगा खरीदा और नई दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से बड़ा हिंदू राव तक उसे चलाने लगे। बाद में उन्होंने एक लकड़ी का खोखा खरीदा और अपने पारिवारिक व्यवसाय को शुरू किया और पुनः महाशियां दी हट्टी ऑफ सियालकोट देगी मिर्च वाले के नाम से काम शुरू किया। व्यवसाय में अटूट लगन, साफ दृष्टि और पूरी ईमानदारी की बदौलत महाशय धर्मपाल जी का व्यवसाय ऊंचाइयों को छूने लगा। उनकी मेहनत देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होने लगे। बहुत कम लोग ही महाशय धर्मपाल जी की सफलता के पीछे के कठिन परिश्रम को जानते हैं। उन्होंने अपने ब्रांड MDH का नाम रोशन करने के लिए काफी मेहनत की और आज MDH ब्रांड मसालों के भारतीय बाजार में 12% हिस्से के साथ दूसरे स्थान पर विराजमान है। महाशय जी के पास अपने विशाल सफलता का कोई रहस्य नहीं है। उन्होंने तो बस व्यवसाय में बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन किया और आगे बढ़ते गए। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुसार ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा के साथ अच्छे से अच्छा उत्पाद भी मिलना चाहिए। आज MDH कंपनी 100 से ज्यादा देशों में अपने 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेच रही है। MDH मसाले बनाने के लिए लगने वाली सामग्री केरल, कर्नाटक और भारत के अन्य हिस्सों से मंगवाता है। कुछ सामग्री ईरान और अफगानिस्तान से भी लाई जाती है। MDH की सफलता के पीछे छिपी मेहनत का नतीजा है कि 94 साल की उम्र में धर्मपाल जी भारत में 2017 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले FMCG CEO बने। इसके अलावा महाशय धर्मपाल जी को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 2019 में मिला पद्म भूषण पुरस्कार भी शामिल है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।